निश्चित किया है कि बदमाश किसी भी प्रकार से कोई भी किसी भी बदमाशी को अंजाम देने का काम करेगा उसका वो इलाज करने का काम किया जाएगा जिसका इलाज उसको करने की जरूरत होती है उसी इलाज को करने का काम हमारी सरकार ने उनका करने का कार्य किया है। साथियों ये बात आप लोग भली बात ही जानते हैं उन दलों के दौरान ये देश का प्रदेश नागरिक दुखी रहा परेशान रहा और परेशानी के हालत में बहुत बुरी तरीके से जूझने का काम करता रहा। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान छोड़ने पड़े कानून व्यवस्था इतनी खराब देखने को मिलती थी कि महिला बाजार तक जाती रही थी पता नहीं चलता था कानों से कुंडल की समय छिन जाएंगे पता नहीं गले से चैन की समय छिन जाएगी लड़की हमारी स्कूल तक जा नहीं सकती थी घर का एक व्यक्ति स्कूल में छोड़ने के लिए रहता था एक लाने के लिए रहता था उन सब हालातों से बाहर निकलने का मौका मिला। ये तरह तरह की बात करने का काम कर रहे हैं विरोधी लोग तरह तरह का लालच देने का काम कर रहे हैं तरह तरह का झूठ बोल करके वोट मांगने की बात कर रहे हैं। उनसे केवल आप लोगों ने एक ही बात पूछनी है कि जब आप लोगों के दल की सरकार थी हमारे दल की सरकार लगभग 10 साल होने जा रहे हैं इसकी सरकार को 7 साल हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार को बने हुए होगा और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से जिस तेजी से प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपनी किसी भी एंगल से कमी नहीं छोड़ी इसी प्रकार का आज हमारा भी फर्ज बनता है हमारा भी दायित्व बनता है कि हमने भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी। माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद हम सब लोगों ने बड़ी तीव्रता से इस अभियान में लगने का काम करना है और इस अभियान में आकर के 19 तारीख में अपना मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालने का काम करना है। इन विरोधी दल के लोगों से केवल आप लोगों ने एक ही बात पूछनी है कि जब आप लोगों के दल की सरकार थी अपने दल की सरकार के दौरान की केवल एक उपलब्धि बता रहे हैं एक भी उपलब्धि नहीं मिलेगी उपलब्धि उन दल की सरकार के दौरान देखने को मिली है। क्या मिली है अपराध मिला है क्या मिला है गुंडागर्दी मिली है क्या मिला है नशे का कारोबार मिला है इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों के आगे बढ़ना काम करना है। मैं आप लोगों का सेवक हूँ मैं आप लोगों का छोटा भाई हूँ आप लोगों का साथी हूँ मैंने कभी भी सांसद बनने के बाद भी विधायक बनने के बाद भी कभी ऐसा मन में नहीं सोचा कि मैं बहुत बड़ा नेता हो गया हूँ मैं बहुत ही जमीनी स्तर पर आकर के छोटे छोटे समस्याओं का हल करने में लगा रहा आप लोगों के सम्मान के लिए लगा रहा किसी भी प्रकार की आगे भी आप लोगों को विश्वास और यकीन दिलाना चाहता हूँ आगे जो काम जो हम लोगों ने काम के दौरान काम हो सके वो हम लोगों ने किए कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जिन कामों का परिणाम किसी काम में नहीं निकल पाया होगा उनके लिए यकीन और विश्वास दिलाना चाहता हूँ अगले क्रम में उनको भी पूरा करने का काम किया जाएगा अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी आगे छोटी छोटी बातों को बदलने की जरूरत नहीं है बड़ा लक्ष्य आप लोगों के सामने है जब बड़ा लक्ष्य सामने आता है तो बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करने की आवश्यकता होती है छोटी छोटी बातों को बदलने की जरूरत नहीं है बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ने की जरूरत होती है देश में तरक्की की है देश में उन्नति का आर्थिक तंत्र मजबूत हुआ है बहुत ऐतिहासिक गलतियां जिन्होंने हमारी सरकार ने की है वाणी को विराम देते हैं आप सभी से आग्रह करूंगा हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे और अपने इस अभियान को लेकर के अपने साथियों तक पहुंचने का काम करेंगे जहां तक आप लोग पहुंचने का काम कर सके वहां पहुंचेगा जहां तक हम लोग पहुंचने का काम कर सके हम लोगों ने पहुंचने का काम करना है। और आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के बावजूद मैं समझता हूँ आपका जो समीकरण है चुनाव का बहुत अच्छा है पिछली बार के समीकरण के बावजूद आपकी बार का आपका समीकरण और भी मजबूत हुआ है। इन सभी चीजों को रख करके ध्यान में आगे बढ़ने का काम करना है और गठबंधन के कार्यक्रम को आगे लेकर के चलने का काम करना है। चौधरी चरण सिंह जी के मान सम्मान को जिस प्रकार